वेलकम बैक स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। और ये जो क्लास है, ये फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की क्लास है, जिसमें सेकेंड ईयर का वॉल्यूम 2 of 2 आज पढ़ाया जाएगा। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग वॉल्यूम मॉड्यूल 3 पढ़ रहे थे, मॉड्यूल 3 में हम लोगों ने सिंबल ऑफ हाइड्रोलिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक फिल्टर्स के बारे में, हाइड्रोलिक फिल्टर्स के बारे में और उसके हाइड्रोलिक पंप के बारे में। इन दो टॉपिकों को आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, हाइड्रोलिक फिल्टर्स। अब जैसा कि नाम से ही विदित है, द्रव चालित फिल्टर, मतलब कि ऐसे फिल्टर द्रव चालित जो उससे चलते हो, हाइड्रोलिक प्रेशर से चलते हो, ऐसे फिल्टर जो हाइड्रोलिक प्रेशर से चलते हो द्रव चालित, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक फिल्टर्स। अब ये होता क्या है, फिल्टर एक ऐसा उपकरण है जो द्रव में ठोस दूषित पदार्थों को अलग कर देता है। उसके अंदर जो लिक्विड होता है, उसके द्वारा उसमें जो कण होते हैं उनको अलग कर देता है। द्रव चालित फिल्टर अनेक आकार, साइज, माइक्रॉन रेटिंग और संरचना के हिसाब से मिलते हैं। इनमें क्या होता है कि जो फिल्टर होते हैं अलग अलग आकार के, अलग अलग साइज के, जैसा काम है, कोई छोटा काम हो रहा तो छोटे साइज का, मीडियम काम हो रहा है मीडियम साइज का, बड़े साइज का, फिर उसके बाद इसमें किस प्रकार का फिल्टर लगाना है, बहुत ही आपको स्पेसिफाइड काम करना है, बहुत ही प्रिसाइज काम करना है, तो माइक्रॉन की रेटिंग वाला जो एकदम छोटे से छोटे धातु को भी छान के अलग कर दे, धातु को मतलब करो मेटल को, इसको हमें हटाना है कोई ठोस पदार्थ। तो क्या होता है कि यह द्रव चालित उपकरणों में ब्रेकडाउन को रोकती है। ये क्या करती है कि इससे क्या होता है, कोई भी बाहरी पार्टिकल जो होता है वो उसके अंदर मशीनों के अंदर नहीं जा पाता है और मशीनें खराब होने से बचती रहती है लंबे समय तक, जो अक्सर द्रव के दूषित होने पर स्थिति निर्मित होती है। मशीनों में अक्सर जो आपका वो होता है ऑयल वर्क करता है, उसमें कचरा या गंदगी आ जाने की वजह से कई बार मशीनें बंद हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशनों में हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर क्या करता है कि हवा को या द्रव को छान कर आगे की तरफ प्रोसेस करता है। जो ये हाइड्रोलिक फिल्टर्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसकी कार्य विश्वसनीयता, इससे क्या होती है काम में बढ़ जाती है और मशीनों की जो सर्विसिंग है वो अच्छी बेहतर होती है। फिल्टर और स्ट्रेनर, यह दो शब्द सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। ये हमने उसमें भी न्यूमेटिक वाले में भी पढ़ा था, न्यूमेटिक में अलग तरीके के फिल्टर काम करते हैं और हाइड्रोलिक में अलग तरीके के फिल्टर काम करते हैं। अब इनका इस्तेमाल क्या है, यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक फिल्टर्स। जो द्रव चालित उपकरणों का खराब होने या निर्मल करने का मुख्य कारण द्रव या तेल का दूषित होना होता है, तो द्रव चालित फिल्टरों का प्रयोग जो द्रव तेल होते हैं उनको दूषित पदार्थों को उनसे अलग करने में किया जाता है। जैसे मशीन चलती रहती तो उसके अंदर जो तेल होता है वो गंदा होता रहता है, उस तेल को साफ करने का जो काम होता है वो हाइड्रोलिक फिल्टर्स के द्वारा किया जाता है। द्रव चालित द्रवों को दूषण तत्वों से इस तरह बचाया जाता है कि ऐसे तत्व जो द्रव को सुचारू कार्य करने में बाधा पहुंचाते हैं। दूषण तत्व इस तरह विभाजित किए गए हैं, जैसे कि जो भी उसमें जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ठोस तत्व हो गए, द्रव तत्व हो गए, गैस तत्व हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ऑर्गेनिक चीजें हो गई, तो इन सबको कैसे निकाला जाता है। द्रव चालित सिस्टम में 4 प्रकार के फिल्टरों का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। इसमें भी देखिए 4 टाइप के फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे कॉमन होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल फिल्टर, सबसे कॉमन मैकेनिकल फिल्टर। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल फिल्टर के पास पास बुने हुए धातु स्क्रीन या डिस्क रहती है,
यह फिल्टर ठीक से दानेदार पदार्थों में चलता है। द्रवचालित सिस्टम में यांत्रिकी फिल्टर को स्ट्रेनर कहते हैं। यह फिल्टर पंप की सक्शन लाइन में लगा रहता है। द्रव स्रोत से निकलकर फिल्टर के पास से गुजरता है, जैसे कि इधर से इन हो रहा है और यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो इन फिल्टर से जब होकर कोई भी चीज़ गुजरती है, कोई भी चीज़ होकर गुजरती है, तो जो भी उसके अंदर कण होते हैं या गंदगी होती है, वो यहीं पर फिल्टर हो जाती है, मतलब उसी में फंस जाती है, और जो साफ जो द्रव होता है वो आगे की तरफ निकल जाता है। यही जो होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल फिल्टर। इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, वो लगभग 1 mm, इसकी जो क्षमता है 60 से 100 मिली माइक्रोन तक होती है। 60 से 100 मिली माइक्रोन तक होती है। मिली माइक्रोन कितना होता है? 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन वो होता है 1000 mm के बराबर, 1000 mm के बराबर, सॉरी 1 mm, उल्टा मैंने बता दिया। तो 1 mm होता है, वो होता है 1000 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन कितना होगा? 1/1000, मतलब 0.001, 0.001। तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है 1 माइक्रोन अर्थात जो 1/1000 हिस्सा होता है, 1 mm का अर्थात 0.001 mm को बोलते हैं 1 माइक्रोन। तो इसकी क्षमता क्या होती है? लगभग 60 से 100 माइक्रोन तक के कणों को रोकने की होती है, तो जो बहुत बारीक होते हैं। और अब्स अगला है आपका अब्जॉर्बेंट फिल्टर, ऑब्जर्बेंट फिल्टर में जो फिल्टर अवशोषी फिल्टर है, जैसे कॉटन, लकड़ी का पंप, बुरादा, यार्न, कपड़ा या रेजिन इत्यादि, एकदम छोटे छोटे पदार्थों को ये क्या करता है? फिल्टर करता है। दूषित पानी या पानी में मिले हुए दूषित पदार्थों को भी हटाता है। द्रव तेल में पाए हुए दूषित कणों को खींचने के लिए भी तत्वों को उपचारित किया जाता है। इसको बोलते हैं ऑब्जर्व। यह फिल्टर द्रव चालित पंप की प्रेशर लाइन में लगा हुआ होता है, एवं इसकी स्थिति पंप के प्रेशर पोर्ट पर लगी रहती है। क्योंकि यह फिल्टर सर्वाधिक ऑपरेटिंग प्रेशर लगाता है, इसलिए इसकी बनावट क्या होती है? मजबूत बनाई जाती है। इसको बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। ये देखिए, ये होता है आपका अवशोषी फिल्टर, ऑब्जर्वेंट। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंट फिल्टर। यह फिल्टर का प्रयोग साइजों और दूषित तत्वों को रोकने के लिए किया जाता है। इस फिल्टर में मिट्टी, क्ले, रासायनिक पेपर और अवशोषक तत्व होते हैं। ये देखिए फिल्टर है, ये साइड में जो लगा हुआ है, इसी के द्वारा जब यहाँ से इन करता है तो प्रेशर के द्वारा ये अंदर की तरफ जाता है और इनके थ्रू गुजरते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ से फिल्टर होते हुए ये बाहर की तरफ जाता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर ऐसे निकलता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवशोषी, ऑब्जर्बेंट फिल्टर। इसको अवशोषी फिल्टर बोलते हैं। इस अगला होता है मैग्नेटिक फिल्टर। मैग्नेटिक फिल्टर क्या है? चुंबकीय फिल्टर का प्रयोग मुख्यतः लौह पदार्थों को तेल में से निकालने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि जो लोहा होता है वो कंडक्टिव मटेरियल होता है, और चुंबक क्या करता है? कंडक्टिव मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो लोहे में क्या होता है? चुंबकीय गुण होते हैं। चुंबक क्या करता है? उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। तो इसी विधि का उपयोग करके जो चुंबकीय फिल्टर का होता है, उसमें लौह पदार्थों से जो लोहे के कण होते हैं, बुरादे होते हैं, उनको निकाला जाता है। फिल्टर में बाहरी साइड व आंतरिक साइड में चुंबकों को ज्यामिति की तरह जमाया जाता है, जिसमें मजबूत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा तेल में से लौह तत्वों को खींचा जाता है।
लगभग सभी चुंबकीय फिल्टरों में स्थायी चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। इन फिल्टरों का प्रयोग सामान्यतः ऑटोमोबाइल कारखानों में किया जाता है। इनका प्रयोग कई कम दाब वाले औद्योगिक उपयोगों में भी किया जाता है। फिल्टरों को चुंबकीय रिंग द्वारा लपेटा जाता है। स्टील फिल्टर बाउल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे लौह चुंबकीय कचरे को अटका देती है। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ से क्या होता है, ऑयल का फ्लो होता है फिल्टर में, ऑयल का फ्लो होता है। अब यहाँ से क्या होता है, फिल्टर से यहाँ से बीच में लगे होते हैं फिल्टर, इसमें से क्लीन जो ऑयल होता है वो इंजन की तरफ जाता है, और जो अनक्लीन होता है फिर से वो इधर की तरफ मूव कर जाता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में, ये जो आपका पूरा मैग्नेटिक सर्किट बना हुआ है चारों तरफ, ये क्या करता है कि इनमें जो भी ऑयल में धातु के कण होते हैं उनको अपनी तरफ ये आकर्षित कर लेता है। तो जब ये आकर्षित कर लेता है तो बचता कौन सा, आपका शुद्ध तेल। वो शुद्ध तेल फिर फिल्टर में जाते हुए इंजन में चला जाता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करके किया सामान्य उपयोग किया जाता है। सामान्यतः फिल्टरों का वर्गीकरण द्रव चालित उपकरणों में उनकी स्थिति के अनुसार किया जाता है, जैसे सक्शन, प्रेशर लाइन फिल्टर, रिटर्न लाइन फिल्टर और ऑनलाइन फिल्टर, ऑफलाइन फिल्टर। हजार्ड एंड सेफ्टी प्रिकॉशन इन हाइड्रोलिक सिस्टम, जो द्रव चालित उपकरण है उसमें सुरक्षा और खतरे, सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में समझना है। कई खतरे जैसे चमड़ी में खुजली होना, जैसे अपने शरीर की जो चमड़ी है उसमें खुजली होती है, आग लगना, धमाका होना, पर्यावरण ह्रास होना एवं कार्यस्थल पर फिसलना आदि, ये क्या हो सकता है, ये सुरक्षा मतलब कि ऐसे दुर्घटनाएं वहां पर आपके साथ घट सकती हैं। तो द्रव चालित जो भी लिफ्टों को चलने के लिए कई मशीनों के साथ एक साथ कार्य करना पड़ता है, इसलिए जरूरी कि कई सावधानियां इन द्रवों का प्रयोग करते समय लाया जाना चाहिए। इन खतरों का ज्ञान होने से द्रव चालित द्रवों का उपयोग करने में सुरक्षा रहती है। जैसे त्वचा में चमड़ी खुजली की समस्या से, त्वचा चमड़ी में खुजली की समस्या से बचने के लिए शीघ्र ही दूषित चमड़ी को जल, साफ जल से धो लेना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि आप अपना कपड़ा अपने पास साफ सुथरा रखें। इस द्रवों का प्रयोग करते समय मास्क एवं ग्लव्स हमेशा पहन के रखना चाहिए। पर्यावरण दूषण के खतरे से बचने के लिए सड़नशील स्वाभाविक द्रव का प्रयोग करना चाहिए, यह द्रव महंगा पड़ता है। इसके बाद आग से बचने के लिए जिन पदार्थों द्रव में, द्रव चालित द्रव में डाला जाता है उसे सील किए हुए धातु के बर्तन में सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद कार्डबोर्ड की मदद से लीकेज को रोक देना चाहिए। द्रव चालित द्रवों की लीकेज या हाथ या उंगली द्वारा नहीं ढूंढना चाहिए। सदैव साफ स्वच्छ जगह पर स्थान रखिए जहाँ पर कार्य करना है, जिससे कि फिसलने का खतरा ना हो। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तेल आसपास कहीं भी नहीं गिरावना चाहिए, क्योंकि पैर पड़ते ही फिसलने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। और रसायन प्रतिरोधक ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा ग्लव्स इस्तेमाल कीजिए जो आप उसमें कोई केमिकल है तो आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। छिड़काव चश्मे व रसायन प्रतिरोध एप्रन का प्रयोग करें। एप्रन जो ऐसा प्रयोग करें जो गीले ऑयल को सोख कर अंदर की तरफ लेकर ना जाए। त्वचा व आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। द्रव चालित द्रवों की प्रक्रिया पर तब तक कार्य ना करें जब तक पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त ना किया हो। किसी भी कार्य को करने से पहले कार्य के बारे में पूरी जानकारी जब तक ना हो उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं, द्रव चालित द्रवों का प्रयोग करते हुए श्वास संबंधी समस्या। जैसे कि जब उस क्या होता है कि जब द्रव चालित द्रवों का प्रयोग करते समय व्यक्ति रसायनों की चपेट में आ सकता है। इस रसायन की चपेट में या तो सांस लेने से या उसे छू लेने से समस्या होती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें व्यक्ति की त्वचा में खुजली या आंखों में कमजोरी इत्यादि की समस्या द्रवों के प्रयोग से होने लगती है। कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें आंतों से खून निकलना, निमोनिया होना या मृत्यु हो जाना इत्यादि द्रव चालित द्रव का प्रयोग करने से, श्वसन लेने से कई बीमारियां आपके सामने आ जाती हैं। इंजेक्शन की तरह ही द्रव
दुर्घटनावश चमड़ी के अंदर चला जाता है। यह घटना तब होती है जब अत्यधिक दाब वाला द्रव चालित सिस्टम होस पाइप का कंटेनर खुल जाए एवं जहरीला द्रव लीकेज हो जाए, चमड़ी के अंदर चला जाता है। इस द्रव चालित पाइप में हल्का सा लीकेज हो जाए वह यदि कोई अपना हाथ इस पर रख दे तो दाब 2000 PSI प्रेशर पर उसे आसानी से इंजेक्ट लगा सकता है। यदि वह यह समय ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति गैंग्रीन नामक बीमारी का रूप ले सकती है। जैसे कि कोई पाइप जा रही है और उसमें एक छोटा सा छेद हो गया और उसमें लगभग 2000 पास्कल का प्रेशर है। अब यहाँ से लिखे जो आपने क्या किया, इस पर तुरंत अपना हाथ रख दिया तो उससे क्या होगा कि इतना प्रेशर है कि उसमें जो भी द्रव होगा वो इंजेक्ट हो सकता है आपके हाथ के अंदर। इसलिए उसी चीज के लिए मना कर रहा है कि इस टाइप का काम आपको नहीं करना चाहिए। यदि द्रव चालित द्रव के साथ काम किया जाए तो यह स्थिति भी बनती है कि द्रव चालित अत्यधिक तापमान पर गर्म हो जाता है। तो यह स्पष्ट है कि सभी पेट्रोलियम आधारित द्रव चालित द्रव जल जाते हैं एवं विस्फोट या जलाने की कार्यक्षमता रखते हैं। इन्वायरमेंटल क्या आपको समस्या आती है? द्रव चालित द्रव की एक और समस्या यह भी है, जब द्रव चालित होस या पाइप लीकेज होता है तो द्रव रसायन या तो जमीन की मिट्टी के ऊपर रहते हैं या फिर जमीन के अंदर चले जाते हैं। यह रसायन जल में मिल जाते हैं तब यह पानी की नीचे जम जाते हैं। इन स्थितियों में यह रसायन सालों साल तक जल के नीचे रहते हैं एवं जल के जीव जंतु इन रसायनों को अपने शरीर में ले लेते हैं जिनके कारण वे बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के लिए हाक द्वारा मछली को खा लिया जाता है। जिस मछली ने यह रसायन अपने शरीर में लिया था उस इससे हाक की भी तबीयत बिगड़ सकती है और यह मर जाती है। उसके बाद फ्लूड टेक्सचर प्रॉब्लम। हालांकि द्रव चालित द्रव का चिपचिपापन प्रकृति से कोई खतरा या समस्या नहीं दिखती है लेकिन इसके फैल जाने से व्यक्ति गिर जाता है या बेहोश हो सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति के हाथों में द्रव गिरा पड़ा रहता है तो इससे उसको नींद आ सकती है। इससे ऑपरेटर स्टीयरिंग को नियंत्रण भी खो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? द्रव चालित सिस्टम में यदि उस हाई प्रेशर के कारण खुलने वाली नली के टक बल से रगड़, अल्पसंख्यक बेहोशी, चोट, जैसे कि कोई आपने ढीली जो कनेक्शन है कोई ढीला है हाइड्रोलिक पाइप का होस का, तो अगर एकाएक खुल जाए तो उससे क्या होता है, आप व्यक्ति को चोट लग सकती है। तो जो उसका होस है कोई भी पाइप है हाइड्रोलिक पाइप का तो उसको हमेशा टाइट ही बांधना चाहिए। अगला है आपका हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोलिक पंप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और धनात्मक और अधनात्मक विस्थापन पंपों के बीच के अंतर समझेंगे और गियर पंप के कार्य को समझेंगे, वेन पंप क्या होता है और पिस्टन पंप क्या होता है। इन सभी पंपों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिगर नंबर 1। फिगर नंबर जो 1 है ये एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक बल एवं गति को द्रव चालित ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? यांत्रिक बल और स्पीड को क्या करता है, हाइड्रोलिक फोर्स में बदल देता है। कई स्रोतों द्वारा पंप को यांत्रिकी बल उपलब्ध कराया जाता है। वे हैं इलेक्ट्रिक मोटर, वायु मोटर, इंजन। कई प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, मोटर को घुमाते हैं और उसके घुमाने से क्या होता है, हम उसको हाइड्रोलिक प्रेशर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पंप का वर्गीकरण। पंपों का वर्गीकरण धनात्मक और अधनात्मक विस्थापन से किया जाता है। इससे पंप में बुनियादी श्रेणी का पता हम चला सकते हैं। अधनात्मक विस्थापन क्या होता है? नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अधनात्मक विस्थापन को बोलते हैं नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अधनात्मक विस्थापन पंप द्वारा निरंतर प्रवाह मिलता है। इसमें क्या होता है, निरंतर प्रवाह मिलता है। अधनात्मक विस्थापन पंप से फिसलन के विरुद्ध अच्छी पकड़ नहीं देता जिससे पंप पर आउटपुट बदलता रहता है क्योंकि सिस्टम का प्रेशर क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आउटपुट क्या है वो एक समान इसमें नहीं होता। हर एक चक्र में प्रसव होने वाले द्रव का आयतन प्रवाह के प्रतिरोध पर निर्भर करता है।
सेंट्रीफ्यूगल पंप धनात्मक विस्थापन पंप का उदाहरण है। देखो ये जो गियर नंबर दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो गोल गोल घूमता है, ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो चित्र नंबर दो में आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है, गोल गोल घुमाकर एक अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है, और उस बल की सहायता से ही जो फ्लो होता है उसको द्रव को बाहर की तरफ तेजी से फेंकता है। इसमें क्या होता है, ये अनियंत्रित होता है, जरूरी नहीं कि एक समान हो, उस पर कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि इस पे जो फिसलन होती है, इस पे जो कंट्रोल होता है वो एक समान नहीं होता है। जो विस्थापन पंप के फिसलन के विरुद्ध अच्छी पकड़ नहीं देता है, इस वजह से ये क्या होता है, आपका प्रेशर इसमें अलग-अलग बदलता रहता है। अब धनात्मक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, धनात्मक विस्थापन पंप द्वारा फिसलन के विरुद्ध अच्छी आंतरिक सील दी जाती है। इस पंप के द्वारा हर एक चक्र में निश्चित मात्रा में द्रव को प्रवाहित किया जाता है, जैसे कि फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है। ये ड्राइव है, ये दोनों ड्राइव एक दूसरे के की सहायता से एक दूसरे को घुमाते हैं गोल गोल। तो जिस मोशन में ये गति करते हैं, मान लीजिए ये अगर जो ड्राइव है ये इस मोशन में काम कर रही है, तो ये इसको इस मोशन में घुमाती है, मतलब ये अगर ऐसे चल रही है तो ये ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि एक यहाँ से अगर इन है तो यहाँ से आउट, जितना ड्राइव घूमेगी उसी के अनुसार ही, क्योंकि तो साइड से कोई लीकेज नहीं है, जो भी द्रव जाना है इनके बीच से ही होके गुजरना है, तो द्रव की मात्रा निर्धारित होती है। इसलिए क्या होता है कि निश्चित मात्रा में ही द्रव का प्रवाह हो पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव द्रव चालित। और इसमें क्या होता है, द्रव टाइप ऑफ हाइड्रोलिक पंप्स, हाइड्रोलिक पंप के भी कितने प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका बाहरी गियर पंप, एक्सटर्नल गियर पंप। बाहरी गियर पंप एक सामान्य प्रकार का चक्रीय रोटरी पंप होता है, चक्रीय रोटरी पंप होता है। इस पंप में ड्राइव गियर को ड्राइव शाफ्ट द्वारा, ड्राइव गियर को ड्राइव शाफ्ट द्वारा घुमाया जाता है। ड्राइव शाफ्ट पे पावर सोर्स से जोड़ता है। इनलेट पोर्ट को सप्लाई लाइन से जोड़ा जाता है एवं आउटलेट को प्रेशर लाइन से जोड़ा जाता है। फिगर नंबर 5, इसमें फिगर नंबर 5 को दिखाया गया है। जैसे कि देखिए इसमें दो ड्राइव दिए हुए हैं, एक ड्राइव इधर की तरफ मूव कर रहा है, यह ड्राइव इधर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से सक्शन हो रहा है, यहाँ से डिलीवरी हो रही है। इसमें जैसा कि फिगर में दिखा रहा है कि जैसे ही गियर घूमता है इनलेट पर वायु का आयतन बढ़ जाता है, इनलेट पर वायु का आयतन बढ़ जाता है, और इससे प्रेशर कम हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब से दाब को स्रोत के द्रव द्वारा इनलेट पोर्ट पर द्रव को धक्का दिया जाता है, जिससे गियर स्पेस में द्रव इकट्ठा हो जाता है। यहाँ इसके बीचों बीच यहाँ द्रव इकट्ठा हो जाता है, जैसे गियर घूमते हैं वह द्रव को इनलेट पोर्ट से डिस्चार्ज पोर्ट पर भेज देते हैं। यहाँ से घूमते हुए जाता है और यहाँ पर इसको भेज देता है, यहाँ से घूमते हुए जाएगा और यहाँ से इसको भेज देगा। इस प्रक्रिया द्वारा सिस्टम में द्रव का प्रवाह होता है। फिसलन के विरुद्ध की कसी हुई सील दांतों के बीच धातु का संपर्क द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। इसमें जो विस्थापन का आयतन है वो 0.2 से 200 सेंटीमीटर क्यूब पर रिवॉल्यूशन होता है, एक रिवॉल्यूशन में कितना पानी वो डिस्चार्ज करता है। 300 बार प्रेशर तक, 300 बार तक का ये प्रेशर झेल सकता है। निश्चित विस्थापन होता है, सामान्य कोलाहल पूर्ण होता है, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शोर नहीं करता है, छोटा एवं कम भार वाला होता है और कम खर्च वाला ये होता है। और गियर पंप का उपयोग, गियर पंप का सामान्य प्रयोग लुब्रिकेटिंग ऑयल को औद्योगिक एवं ऑटो मोबाइल उपयोगों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। अगला है इंटरनल गियर पंप। इंटरनल गियर पंप में दो गियर होते हैं, स्पर गियर बड़ी रिंग आउट गियर में लगा होता है, छोटा स्पर गियर बड़ी गियर के साइड में जुड़ा होता है, जैसा कि चित्र नंबर 7 में दिखाया गया है।
दोनों गियर अर्धचंद्रा आकार के विभाजक के द्वारा अलग किए जाते हैं। अर्धचंद्र विभाजक द्वारा इनलेट व आउटलेट पोर्ट अलग अलग किए जाते हैं। आंतरिक गियर पंप में दोनों गियर एक ही दिशा में घूमते हैं। दोनों गियर क्या होते हैं, एक ही दिशा में घूमते रहते हैं। तो यहाँ से सक्शन क्रिएट होता है और यहाँ से अगला वाला जो होता है वो डिलीवरी देता है। इसको बोलते हैं इनर टाइप पंप। इसके बाद होता है लोब पंप, LOBE। लोब पंप क्या होता है, लोब पंप विधि रोटर प्रकार का पंप है। इसमें रोटर का साइज या आकार पिंड नुमा लोब होता है। इसकी कार्य प्रणाली बाहरी गियर पंप जैसी होती है। इसमें गियर जैसे लॉब एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। दोनों पिंडों की तुलनात्मक गति टाइमिंग गियर की मदद से समकालिक की जाती है। अतः दोनों लॉबों का आंतरिक संपर्क सीलिंग संपर्क है न कि ड्राइविंग संपर्क है। फिगर नंबर 8, ये देखिए, ये जो दोनों गियर हैं स्टील के द्वारा संपर्क में आते हैं न कि गियर के द्वारा एक दूसरे के ड्राइविंग संपर्क में आते हैं। जैसे ये इसको घुमाता है और ये इसको घुमाता है, ये दोनों एक दूसरे को, ये जो आकार बना हुआ है ये घूमता है तो इसके द्वारा ये घूमता है तो इसके द्वारा इसको घुमाया जाता है। दोनों को टाइमिंग के द्वारा एडजस्ट किया जाता है, दोनों को टाइमिंग के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। यही क्या करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जब ये घूमते हैं तो इनके द्वारा फ्लो कंट्रोल होता है। ये पानी को इकट्ठा करते हैं, ये पानी को इकट्ठा करते हैं और इसको भेजते हैं। तो यहाँ से हम इन करते हैं, यहाँ से आउट करते हैं। इसको बोलते हैं लोब पंप, लोब के द्वारा पंप को चलाना। अगला आपका वेन पंप। वेन पंप में क्या होता है, ये एक प्रकार का सामान्य पंप होता है। इस पंप में रोटर में स्लॉट कटे होते हैं। जब रोटर घूमता है तो अपकेंद्री बल के द्वारा वेन्स के बाहर की ओर तरफ से कैचिंग को टच करने के लिए धकेला जाता है। फिगर नंबर 9 में देखिएगा, फिगर नंबर 9 में इसमें देखिए क्या होता है, अपकेंद्री बल लगता है। यहाँ से जब इन होता है तो जोर से ये एक साइड, इसमें क्या होता है, एक साइड जगह ज़्यादा होती है, एक साइड कम, तो ये एक तरफ शिफ्टेड होता है। जो इसका रोटरी मोशन होता है पूरे केस में एक तरफ शिफ्ट होता है। जब ये गोल गोल घूमता है तो यहाँ से तेजी से सक्शन करते हुए इसको बाहर की तरफ ढकेलता है। इसी को बोलते हैं हम लोग वेन पंप। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। एक होता है आपका बैलेंस्ड वेन पंप। इसकी संरचना के आधार पर इसमें प्रति प्रक्रिया में दो प्रेशर चक्र होते हैं और दोनों आउटलेट पोर्ट 180 में अलग अलग होते हैं, जिसमें कि रोटर पर प्रेशर बल संतुलित रहता है। इसमें देखिए दो होते हैं, यहाँ पर इस पर क्या होता है, रोटर पर प्रेशर क्या होता है, संतुलित होता है। यहाँ से प्रेशर इधर से भी जाता है और इधर से भी जाता है, और फिर यहाँ से प्रेशर निकलता है और इधर से भी निकलता है। दो जगह से जब ये चलता है तो दो स्थान से खींचता है और दो स्थान से बाहर निकालता है इस, क्योंकि ये बैलेंस, क्योंकि चारों तरफ से बैलेंस होकर चलता है दोनों तरफ से, क्योंकि इधर बैलेंस करने के लिए इधर भी स्पेस दिया जाता है और इधर भी स्पेस दिया जाता है। तो जब ये गोल गोल तेजी से घूमता है तो सक्शन, यहाँ तेजी से पानी खींचता है जो दोनों तरफ से, इस साइड से भी, इस साइड से भी होता है और दोनों तरफ से आउटपुट भी देता है। इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंस्ड वेन पंप। वेन पंप की क्या है विशेषता, यह उच्च प्रवाह प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। 160 बार तक प्रेशर बना सकता है। सरल विधि फिटिंग होती है। पंप नियंत्रण में रहता है, आवाज कम करता है। पिस्टन पंप क्या होता है, पिस्टन पंप एक सामान्य पंप है जिसका उपयोग उच्च दाब वाली जगह पर किया जाता है। इस वर्ग में निम्न तीन प्रकार के पंप आते हैं, आयन पंप, एक्सियल जिसको बोलते हैं एक्सियल पंप, और बेंट एक्सिस और रेडियल पंप। आयन पंप में देखिए क्या होता है, आयन पंप में शाफ्ट और ब्लॉक पिस्टन इस तरह घूमते हैं कि पिस्टन सिलेंडर होल और एक्सियल के अंदर बाहर होते हैं। इस गति को आयन गति कहते हैं। यह प्रक्रिया सार्वभौमिक ज्वाइंट के कारण संभव है। इसी तरह बेंट एक्सिस पिस्टन पंप होता है, इसमें प्लेट की तरह एक पंप में एक्सियल पिस्टन पंप कहते हैं। इससे कई पिस्टन, ऐसे कई पिस्टन है जो एक दूसरे के समांतर है। पिस्टन ब्लॉक को अयन स्थिति के अंदर बाहर करते हैं। इस पंप में स्वास प्लेट की अपेक्षा ड्राइव शाफ्ट ब्लॉक पर किसी कोण पर स्थिर रहती है, इसलिए इसे बेंट टच कहते हैं।
ये किसी एंगल पर रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंट अच। ये ड्राइव शाफ्ट है, इससे ये घूमता है गोल गोल, और ये पिस्टन, पिस्टन इससे मूव करता है, और पिस्टन की सहायता यहाँ से फ्लो कंट्रोल होता है। ये यूनिवर्सल लिंक इसको बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी एंगल पे काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेंट एक्सियल पिस्टन पंप। इसके बाद त्रिज्यीय पिस्टन पंप। रेडियल पिस्टन पंप की विशिष्ट आकृति दर्शाई गई। इस पंप में अनेक पिस्टन होते हैं जो बराबर दूरी पर लगे रहते हैं, वह सिलेंडर ब्लॉक में रेडियल स्थिति पर बैठे रहते हैं। ये देखिए अलग अलग पिस्टन लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से अंदर बाहर घुमा जाता है, इसमें रेडियल पिस्टन भी पंप कहते हैं, इसको रेडियल पिस्टन पंप कहते हैं। पिस्टन द्वारा रेडियल दिशा में अंदर बाहर घुमाया जाता है। क्रॉस डिसकपलिंग की मदद से ड्राइव शाफ्ट द्वारा पिस्टन ब्लॉक पर ड्राइव टार्क आघूर्ण बल दिया जाता है। पिस्टन ब्लॉक पिंड के आसपास घूमते हैं, जिसे पंप के पीछे की तरफ डक्ट द्वारा आउटलेट व इनलेट कनेक्शन किए जाते हैं। ये रहा आउटलेट और इनलेट। पिस्टन ब्लॉक में कई पिस्टन होते हैं जो रेडियली स्लॉटों में जमे होते हैं, जो स्लीपर पेड़ की मदद से स्ट्रोक रिंग के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। पिस्टन स्लीपर पर वॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट की मदद से जुड़े रहते हैं, और जो दो ओवरलैपिंग रिंग की मदद से स्टॉक रिंग को गाइड करते हैं। स्ट्रोक रिंग पिस्टन ब्लॉक के उत्केंद्रीय रूप से जुड़े रहते हैं। जब ये गोल गोल घूमता है तो एक अपकेंद्रीय बल जनरेट होता है, और पिस्टन क्या होते हैं, अप डाउन मोशन करने लगते हैं। उसी मोशन की सहायता से जो सक्शन क्रिएट होता है, और जो सिस्टम में जो होता है पानी का फ्लो एक साइड से दूसरे साइड में होने लगता है। इसका पिस्टन पंप का उपयोग उच्च दाब एवं कम विस्थापन के लिए किया जाता है, जो आपका पिस्टन पंप होता है। तो इस प्रकार से ये सारे पिस्टन जो होते हैं कार्य करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। हाइड्रोलिक सिस्टम में ये सारे पिस्टन जो काम करते हैं। कोई भी, जैसे आप अपने घरों में पानी ऊपर से नीचे ले जाते हो, नीचे से ऊपर ले जाते हो, जो आपका समरसिबल लगा होता है, तो आप उपयोग के आधार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग पंप जो है कार्य करते हैं उपयोग के आधार पर। तो ये आपका हो गया पंप। इस प्रकार से सारे जो पंप होते हैं वो कार्य करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।